सोलन में 3 दिनों का राज्य स्तरीय मेला चल रहा है। इन 3 दिनों में सोलन शहर में हर मोड़ पर भंडारे लगते हैं, जिसमें कढ़ी चावल, राजमा चावल, आलू पूरी, छोले भटूरे, कचौड़ी, समोसा, खीर, कुलचे, छोले, आइसक्रीम, स्नैक्स और जो आप खाने की सोचते हैं वे सब कुछ यहाँ मिलता है। सोलन में भंडारे का आयोजन माँ शूलनी के भक्तों द्वारा किया जा रहा है। भक्तों ने बताया कि माँ शूलनी की उन पर अपार कृपा है और माँ शूलनी के आशीर्वाद से सोलन शहर फल फूल रहा है। इसलिए जब माता अपने मंदिर से नगर भ्रमण को निकलती है तो शहरवासी उनके आगमन पर स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं। कई लोग जो सोलन छोड़कर जा चुके हैं वे भी विशेष तौर पर सोलन में भंडारे लगाने पहुंचते हैं। यही कारण है कि इन 3 दिनों में लाखों लोग सोलन आते हैं और उनके पास पैसा हो या ना हो वे भूखे नहीं रहते हैं। हम जो है ये पिछले कई वर्षों से यहाँ पर माता का भंडारा लगाते हैं और इसमें मैं समझता हूँ कि कोई भी प्राणी भूखा नहीं रहता, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। सोलनी मेला जो है एक बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस 3 दिन का भंडारे यहाँ हमारे पूरे शहर में लगते हैं और मैं समझता हूँ कि 3 दिन के अंदर शायद लाखों लोग यहाँ पर, कोई भी ऐसे प्राणी नहीं होता जो कोई भूखा रहे। यहाँ पर नई नई चीज़ें बनती हैं हर और लोग बहुत इंजॉय करते हैं। भंडारे जो है माता रानी की कृपा से इतने फेमस हो चुके हैं कि जो सोलन शहर से आज बाहर भी रह रहे हैं, जो कि यहाँ के निवासी थे पर कईयों के कारोबार आज की डेट में कहीं बाहर भी हैं, वो भी आके हर साल माता रानी के भंडारे करते हैं और 3-3 दिन तक करते हैं। यहाँ पे कोई कचौरी लगा रहा है, कोई आलू के साथ पूरी दे रहा है, छोले पूरी है, राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, आइसक्रीम है, गुलाब जामुन है, जलेबी है, पूड़े हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ मेरे ख्याल से गुलाब जामुन है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूटी होगी यहाँ पे। इवन देन की कोई फ्रूट के स्टॉल लगा रहे हैं, दूध भी दे रहे हैं, काजू वाला दूध भी है, मैंगो शेक भी दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। और हमें सेवा का मौका मिलता है क्योंकि सारा साल जो है माता रानी ही हमारे को दे रही है और हम लोग कमा रहे हैं, और ये 3 दिन हमें अवसर मिलता है कि भी माता रानी को हमें भी कुछ देना है।